हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो के अंदर बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कितने तरह की होती है और इनको कितने रुपए दिए जाते हैं, और दोस्तों अगर आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का फॉर्म भर दिया है तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई हमारे को पेंशन मिल रही है फिर नहीं मिल रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की सूची और ये कितने प्रकार की पेंशन होती है उसको देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इस वाली साइट पर आ जाओगे, यानी कि राजस्थान पेंशन योजना की साइट पर आ जाओगे। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तरीका भी यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई सबसे पहले जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना होती है वो चार तरह की होती है। सबसे पहली तो है वृद्धजन पेंशन योजना, दूसरी होती है अकेली नारी पेंशन योजना, तीसरी होती है विशेष योग्यजन पेंशन योजना और चौथी होती है कृषक पेंशन योजना। इसमें दोस्तों देखो उम्र के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेंशन का भुगतान इनको किया जाता है। और दोस्तों जो जैसे आपने मान लो कोई भी फॉर्म भर दिया हो पेंशन योजना का इन चारों कैटेगरी में से, अब दोस्तों फॉर्म भरने के बाद आपके मन में यही रहता है कि भाई हमारी पेंशन कब चालू होगी और इसका स्टेटस कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों देखो इसका स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले आपको देखो यहां पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको पूरी पेंशन योजना की सूची, अगर आपका नाम आ गया होगा तो आपको अपना नाम यहां पर दिख जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो राजस्थान पेंशन योजना की साइट ओपन हो जाएगी। यहां पर देखो आपको रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो तीन से चार ऑप्शन आएंगे। तो देखो यहां पर अगर आपके पास पीपीओ नंबर है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो, वरना आप अपनी और सबों की लिस्ट यहां से भी चेक कर सकते हो। यहां पर दोस्तों बेनिफिशियरी रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पॉपअप मांगेगा तो आप इसको ऑलवेज शो कर देना है। और उसके बाद देखो अब आपके सामने राजस्थान के जितने भी जिले हैं इनकी देखो पूरी सूचना आपके सामने आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों देखो पूरे डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ गए हैं। आप अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप क्लिक कर लेना। यहां पर आपको देखो बताया हुआ है कि वृद्धजन, अकेली नारी, विशेष योग्यजन, कृषक पेंशन की टोटल कितने लाभार्थी है। तो दोस्तों हम उदाहरण के तौर पर अलवर ले लेते हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने के बाद अब देखो आपके सामने रूरल एरिया और अर्बन एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों आ जाएंगे। तो चलिए देखो हम आपको एक ग्रामीण क्षेत्र की सूचना पर ग्रामीण क्षेत्र की सूची क्लिक करके दिखा देते हैं। तो चलिए हम बांसुर पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखो यहां पर क्लिक करने के बाद भी ये पूरी लिस्ट जो भी बांसुर के अंदर जितने भी लाभार्थी है उनमें देखो अब ग्राम पंचायत वाइज इनको लिस्ट दिखाई जाएगी। तो देखो अब आपको अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है। सिटी से हो तो आप देखो शहरी जो अर्बन वाला है उसको आप सेलेक्ट कर लेना। अब देखो ग्राम पंचायत के अंदर देखो दो ग्राम यहां पर आ रहे हैं, दो गांव है, इसमें से जो भी आपको गांव जो भी आपका है उसको आप कर क्लिक करना। अब देखो क्लिक करने के बाद ये जितने भी लोग हैं उनको पेंशन मिल रही है तो देखो सारी लिस्ट उनके सामने आपके सामने आ जाएगी। देखो यहां पर जितने भी पेज आते हैं, जैसे किसी में ज्यादा है तो किसी में कम है, यहां पर देखो 9 पेज आ रहे हैं तो यहां पर 9 पेज है। इसमें आप नेक्स्ट कर करके ऊपर यहां पर नेक्स्ट करने का ऑप्शन है क्या, आप यहां से भी पेज नंबर डाल के या फिर ऐसे कर करके पूरे की पूरी लिस्ट यहां पर देख सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत।